आज तक आपने बहुत मतलब सुना होगा, सफ़र वसीलाए ज़फ़र है। लेकिन ये चीज़ तभी समझ लगती है जब आप इसको ट्रूली मायने में एक्सपीरियंस करें। अंदरून लाहौर में वाकया मुग़ल दौर के कुछ ऐसी यादगारें जिनकी तारीख उनकी वसत से भी ज़्यादा वसी है। द हार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाहौर। तो हम पहुंच चुके हैं बादशाह मस्जिद में। सुबह सुबह का प्लान था तो काफ़ी सर्दी है और बदर क्या हाल है? बदर मेरे साथ आया है, हम आज कुछ कैमरे डी एस एल आर के शॉर्ट्स लेने आए हैं और साथ व्लॉग टाइप भी बना लें। तो पहुंच चुके हैं बादशाह मस्जिद में, तो आपसे मिलते हैं बादशाह मस्जिद में। ओके बिटा ते वसई नूर मुझ तो पुजायू ओ मुझ तो पुजायू मन जो उमेदू मुझ तो पुजायू मन जो मुरादू ओ बिटा जा पिताई बिटा ते वसई नूर मुझ तो पुजायू। बादशाह मस्जिद जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हो अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं जो मुगल ने बना दी हैं। अच्छा, तो बादशाही मस्जिद को आलमगीर औरंगज़ेब ने बनाया था 1671 में। 2 साल इसकी तामीर में हुए और 17वीं सदी में इसे बनाया गया था और आई थिंक 18वीं सदी में सिखों ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया जब मुग़ल दौर ख़त्म हुआ था। यहाँ पे ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमें ये जहाँ पे घोड़ों के इस्तबल हुआ करते थे। इसके अलावा अंदर वो सिखों का क्या कहते हैं, सिखों का गुरुद्वारा हुआ करते थे, इस तरह से यूज़ किया जाता था। ये गुरुद्वारा है जो बादशाह मस्जिद के बिल्कुल सामने है। मुगलों के बाद रंजीत सिंह ने यहाँ पे हुकूमत की थी। अच्छा, तो ये भी उसी नाम रंजीत सिंह। रिमेम्बर द नेम। मुर्गा कोई भी नहीं है, सारे सिंगल हैं। यह एक बाल साहब का मज़ार, मगर अफसोस वहाँ जाना अलाउ नहीं था। ए बको यकी आवत खुदा जवाने पातशाहें के नाम सुभाने। ए बको यकी तो आ चुके हैं बादशाह मस्जिद में। ये है बादशाह मस्जिद की विंडो से मेरा पाकिस्तान का व्यू। दिस इज़ माय लाहौर। बात ये है कि मुग़ल वाले हमारे लिए मतलब एक सुपर टाइप भी छोड़ गए कि यार चीज़ें रह जाती हैं लेकिन लोग नहीं रहते। दैट्स हाउ इट फील्स। आह, किसकी जस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू राह रहो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी। अब हम जा रहे हैं शाही किला की तरफ। शाही किला की बैक साइड दिखा। ये है बैक साइड शाही किला। जेरी टॉम एंड जेरी का घर। जेरी भाई यहाँ से रहते हैं। जेरी भाई या मेरे ख्याल में ना, आपको ज़िंदगी में ज़रूर इस तरह की जगहों पर जाना चाहिए। इनके 2 फ़ायदे हैं। एक तो कि आप में कभी भी किसी तरह का गुरूर नहीं आता, और नंबर 2 आपको कुछ ऐसी फीलिंग होती है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं होती।
जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा। मिल नहीं रहा।